वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका उत्तरकाशी में। ये उत्तरकाशी का एक ब्रिज है, आपको पता होगा केदारघाट के बाद केदारघाट के पास ही है, और जो लोग आए होंगे उनको पता होगा ये तिरंगा थीम पे पेंट नहीं किया गया जैसे देवप्रयाग में और उत्तर का ऋषिकेश में जैसे किया गया। ये इसमें कोई पेंट ही नहीं है, देखो तिरंगा थीम पे जैसे वो करते हैं, और ना पेंटिंग बनी हुई है, जैसे सामने पेंटिंग बनी रहती है जानकी ब्रिज पे और यहाँ पे भी बनी रहती है, यहाँ पे कोई पेंटिंग वगैरह नहीं है, लगता है नया बनाया क्या पता नहीं। तो हम यहाँ पे घूम रहे हैं अभी और उत्तरकाशी दिखाएंगे। पिछली वीडियो में भी हमने दिखाया था, इस वीडियो में भी दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है यार, ये मज़ा आ जाता है। यहाँ पे देखो क्या सुंदर नज़ारे हैं, सामने वाले पे अभी पहाड़ पे धूप आ रही है, इधर के पे धूप नहीं आ रही, शाम को इधर के पे आएगी तो देखता हूँ आपको नज़ारे दिखा पाता हूँ अगर उत्तरकाशी के, तो मज़ा आ जाएगा। दिए देखो क्या सुंदर नज़ारे हैं यहाँ पे, सरस्वती भी आ गई। कहाँ जाएंगे कल? मैं यहीं तो थी। कल कहाँ जाएंगे? मैं यहीं तो थी। कब से तो वीडियो को ऐसे ऐसे कर रही हूँ, इधर देखो। अच्छा मैया को दिखाओ। मैं उधर वो देखा, वो मेरा ध्यान वीडियो के उस पे था। ये देखो नीचे पत्थरों पे बैठने पे बड़ा ही मजा आता है यार ये। वाव, और चारों तरफ नज़ारे ही नज़ारे, और धूप बहुत अच्छी आ रही है ना, तो शांति लग रही है एकदम, मज़ा आ रहा है। बोल रही है बांध में सरस्वती सीख रही है ये कैसे बांधते नहीं बांधो सरस्वती सीख रही है। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, सही लग रहा है। ठीक है, आप क्या बोले, अभी भी लग रही है। इधर ओके, चलो भाई ये पतली पतली गलियों में से हम घूम के जा रहे हैं। सरस्वती का एक काम कराना है। क्या काम कराना है सरस्वती? मेरा एक्चुअली मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया है। इधर देखो बताओ। हाँ, मेमोरी कार्ड करप्ट हो गया है, तो उसको फॉर्मेट करना है। हाँ, और हम आगे का जो प्लान है हमारा हर्षिल घुमाने का, आपको भी दिखाने का, तो वहाँ पे हम आपको कौन सी प्रॉपर्टीज दिखाए उस बारे में यहाँ के लोकल लोगों से हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये दो भाई हमारे साथ आए हैं, और एक भाई का, इन भाई का यहाँ वहाँ हर्षिल में वो भी है होम स्टे, तो कल हम वहाँ पे जाएंगे, वो आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरे यूट्यूब चैनल पे देख लेना, होटल्स एंड रिजॉर्ट्स पे वो पूरा आएगा। और फिलहाल हम उत्तरकाशी की पतली गलियों में घूम रहे हैं और भाई के साइबर कैफे पे जा रहे हैं, ताकि सरस्वती का वो फॉर्मेट हो जाए और वो गोप्रो में फिर ठीक से काम करे, वरना SD कार्ड एरर आता है। तो इसका एक इलाज ये है भाई कि उसको फॉर्मेट कर दो, SD कार्ड फॉर्मेट कर दो, ये मैंने बताया हुआ है। मेरे साथ भी यही होता था पहले, जब मैं पहले यूज करता था, जब उसमें वायरस वगैरह वो करप्ट फाइल होती है, ज्यादा आती है, करप्ट फाइल होती है, तो ऐसे SD कार्ड एरर आता है। तो भाई ये कर लेना, फॉर्मेट कर देना बस, चलो देखते हैं ये काम होता है कि नहीं। चलो उत्तरकाशी का आपको एक और पुल दिखाते हैं हम यहाँ पे, ये चौपा वाला पुल है भाई, यहाँ से पूरा दिखाई देता है पूरा सिटी, ये देखो। ओहो, अरे ये तो चौड़ा नहीं है, उतना ही चौड़ा है ये भी, पर ये दूसरा है, हमें लगा ये बहुत चौड़ा वाला पुल है। अखरोट बिक रहे हैं यहाँ पे, वाह, हाँ यहाँ से व्यू ज़्यादा अच्छा है, वाह। गंगा को साफ रखना ही गंगा की पूजा है। ओके, मस्त नज़ारे हैं, चाय पी लिया अभी हमने, और मेमोरी कार्ड में से डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, और फिर उसे फॉर्मेट कर देंगे, फिर दोबारा कॉपी कर लेंगे, वाह काम हो जाएगा। करप्ट जो मतलब रिकॉर्डिंग नहीं ले रहा था, और टनल भी दिखाई दे रही है, वो देखो वो उस टनल से ही आए थे हम, पिछले वीडियो में देखा होगा आपने, तो इसी में टनल में से एग्जिट किया। वाह सरस्वती, वो टनल भी दिखाई दे रहा है, वो जो टनल में से हम आए थे, हाँ उस टनल में से आए थे हम, वो टनल से हम आए थे, सुबह दिखाया था ना आपको।
हाँ यार मजा आ रहा है, ये जिंदगी के मजे हैं ऐसे, ये देखो। पर इस पे पेंट नहीं किया गया, मेरे को बार बार ये लग रहा है यार, ये अजीब सा क्यों लग रहा है क्योंकि ऋषिकेश और देवप्रयाग में तो बढ़िया पेंट कर रखा है इसको तिरंगा में, ये बहुत कैमोफ्लैज सा लग रहा है। वाह, खत्म कर रही हो तो नया भी शुरू कर लो वहाँ पे जाके। मैंने तो ऐसे ही किया था, नया शुरू कर लेना वहाँ पे पहुँच के ना। ओ, कुछ तो आ रहा है। क्या आ रहा है? बोट है, और वो स्पीड बोट आ रही है। स्पीड बोट इतनी स्लो चलती है बाबा, यहाँ से स्लो लग रही है, वो है नहीं स्लो, देख रहे हो पानी पूरा हिला दिया उसने पूरा, अब पीछे तक पानी हिला हुआ है, यहाँ से स्लो लग रही है क्योंकि हमें वाइड व्यू दिखाई दे रहा है, इसीलिए वहाँ पे पार्क हो जाएगी लग रहा है, जहाँ पे वो सैंड वगैरह है ना, ये देखो सैंड वगैरह है, यहाँ पार्क करेंगे ये लग रहा है। अरे घुमा दी टूर करा रहे हैं, घुमा दी। पानी देखो कैसे पूरा, हाँ। पानी का क्या वो बन रहा है यार, वाह। अगर आप ऐसा बोर्ड नहीं बनवा सकते तो आप ऐसे साइबर कैफे में भी निकलवा सकते हो, मैंने इस बार ये वाला बोर्ड निकलवाया है और ये देखो नीचे से मेरा बोर्ड प्रिंट आउट होके आ रहा है, वाओ। इसी तरह से आप लिफ्ट वाला बोर्ड भी बनवा सकते हो और पूरी यात्रा आपकी फ्री हो जाएगी, और ऐसे साइबर कैफे में जाओ और 50 रुपये का आपका, और ऐसे 50 रुपये में आपका 50 साल तक जीने के सेट, और 50 रुपये में आपका ऐसा ये निकल के आ जाएगा, ग्लॉसी पेपर पर निकलवाया है ये मैंने, ये देखो क्या मस्त लग रहा है। क्या बोलते हैं उसको, क्या सही है, सही लोकेशन है, उत्तरकाशी, हाँ बहुत सही है। और अभी हम हर्षिल की तरफ, सरस्वती को बड़े भूल जाती है हिंदी के, सरस्वती तमिलनाडु से है ना, मतलब कुछ और बोलने जा रही थी वो, मैंने बोला सिंपल बोल सही है। यहाँ पे रुके थे हम ये वाले घर में और 2 नाइट रुके हम यहाँ पे, और अब यहाँ से आगे निकल रहे हैं हम नीचे की ओर, जाएंगे आज हर्षिल की ओर, नया ब्लॉग शुरू करूंगा नीचे पहुंच के। वाओ जगह देखो यार, क्या सही जगह है, ये स्वर्ग लग रहा है जैसे कोई, वाओ पीछे देखो, पीछे भी पहाड़ है, यहाँ पे खेती है, कल दिखाया था मैंने कल वाली वीडियो में, बाय बाय। ये देखो गोभी की खेती, हर्षिल की तरफ, वाओ। ये देखो क्या सुंदर घर है इनका, ये गोभी का लगा हुआ है, कल दिखाया था मैंने यहाँ पे, कल वाली वीडियो आपने देखी होगी। तो अभी मातली से हिचाइकिंग करके हम जा रहे हैं उत्तरकाशी की ओर, और हमें सुबह सुबह दोबारा से एक एजुकेशन डिपार्टमेंट से लिफ्ट मिली है। हायर एजुकेशन। कहाँ पे आप टीचिंग करते हो? मैं प्रोफेसर हूँ, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ब्रह्मखाल। ब्रह्मखाल, ओके। अभी मैं इलेक्शन ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, मैं सेक्टर मजिस्ट्रेट। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। तो उत्तरकाशी में ही? हाँ, उत्तरकाशी। सारा काम उत्तरकाशी से ही होता होगा यहाँ का ना? हाँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। हाँ, सारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट के जो भी हॉस्पिटल है। मातली में डुंडा। अच्छा, यही यमुनोत्री रोड पे कॉलेज है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। एक पीजी कॉलेज उत्तरकाशी में है, एक यहाँ पे है ब्रह्मखाल में, यमुनोत्री रोड पे। तो मैं ब्रह्मखाल यमुनोत्री वाली डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर। अच्छा, तो अभी इलेक्शन हमारे यहाँ शुरू होने वाले हैं, तो मैं तो ये भाई साहब ने हमें लिफ्ट दी थी मातली उत्तरकाशी से मेन मार्केट तक, और ये भाई साहब ने हमको बीच में चाय भी पिलाई थी, और रास्ते देखो यार क्या सुंदर रास्ते दिखाई दे रहे हैं। और इस पूरी यात्रा में मतलब हमारा कोई पैसा नहीं लगा, मतलब मैं दिल्ली से निकला और देहरादून पहुंचा, देहरादून के बाद चकराता पहुंचा, चकराता के बाद पौंटा साहिब के बाद धनौल्टी के बाद चंबा, और चंबा के बाद मैं यहाँ पे उत्तरकाशी पहुँचा था, और उत्तरकाशी से अब मैं जा रहा हूँ हर्षिल की ओर। और सोचो इस पूरी यात्रा में मेरा कोई पैसा नहीं लगा, ये पूरी यात्रा मैंने ऐसे लिफ्ट लेके ही करी है, और यहाँ पे भी अभी जो आप देख रहे हो ये यात्रा पूरी लिफ्ट से चल रही है और इसमें कोई पैसा नहीं लगा। और आप भी ऐसी यात्रा कर सकते हो। अब इसके बाद हम उत्तरकाशी पहुँच गए, और उत्तरकाशी से हमारा नेक्स्ट टारगेट था गंगोरी के रास्ते हर्षिल तक पहुँचना, लेकिन हर्षिल में अभी बर्फबारी हो रही है, तो काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि आप नहीं पहुँच पाओगे, लेकिन हमने यात्रा शुरू कर दी और आगे जाके बर्फ मिली भी थी, शायद आपको अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। और ये रास्ता देखते हैं आपको गंगोरी, पूरा रास्ता इस वीडियो में दिखाया जाएगा, और काफी सुंदर नजारे देखने को मिले हमें। ये हमारा सुबह का पहला ब्रेक यहाँ पे चाय के लिए रोका है। सरस्वती, उनका रिवर्ट आया कुछ, एक बार देख लो।
यहाँ पे चाय ब्रेक के लिए रुका है सुबह सुबह। अच्छी शुरुआत सुबह सुबह। ये चाय ब्रेक के बाद भाई साहब ने हमको छोड़ दिया था उत्तरकाशी की मार्केट में, और उसके बाद हमें लिफ्ट मिली थी गंगोरी की, जो कि आप आगे देखोगे। फिलहाल मैं आपको ये सुंदर नज़ारे दिखा रहा हूँ, और मेरे से बहुत सारे लोग पूछते हैं, आप लोग इंस्टाग्राम पे भी जुड़े हुए, और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप मतलब अगर हमें भी यात्रा शुरू करनी है तो हम बेसिक कहाँ से शुरू करें। काफ़ी सारे लोग तो ये भी बोलते हैं कि आपको हमारे साथ यात्रा करनी है, मेरे साथ जुड़ना है। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि भाई आप बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं आप वो ले लो साथ में, और आप अकेले ही निकल जाओ। अकेले यात्रा करना बहुत ज़्यादा इजी है। मैं 2020 से यात्रा कर रहा हूँ और बहुत ही ज़्यादा इजी है। ये आप जो देख रहे हो ये है टैक्सी यूनियन, इस तरह की आपको पहाड़ों में बहुत सारी यूनियन दिखाई देगी। ये पूरा उत्तरकाशी के बाद हम अब एग्जिट करने वाले हैं, यहाँ से गंगोरी आ जाएगा, उसके बाद मनेरी डैम भी आएगा, वो पूरा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप मेरी तरह यात्रा करना चाहते हो तो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि आप ये बोर्ड बनवा लो, ये बोर्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसके बाद आप एक कैंपिंग टेंट भी ले लेना और स्लीपिंग बैग भी ले लेना। स्लीपिंग बैग आपको हिमालयाज में काम आएगा, लेकिन अगर आप साउथ दक्षिण भारत की यात्रा करना चाहते हो तो वहाँ पे आप कंबल के साथ भी आप यात्रा कर सकते हो। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप विंटर्स में, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी में, तो आप साउथ की यात्रा कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ का रहता है। और आप गर्मियों में हिमालय की यात्रा करना तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी रहेगा। यहाँ से ये एक और बोर्ड लगा हुआ है, देखो गंगोत्री अभी कितना किलोमीटर बचा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है गंगोत्री लिखा हुआ है 94 किलोमीटर्स। यानी कि ये पूरा हमें कोशिश करना है कि लिफ्ट लेके कर सके। अगर आगे बर्फबारी नहीं हुई तो ये बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि रोड बहुत अच्छा है और गंगोत्री यात्रा बहुत फेमस है। लेकिन अभी ऑफ सीजन चल रहा है, तो आप ये जो पूरा रोड देख रहे हो ना, खाली खाली यात्रा जब चलती है तो ये खाली रोड नहीं दिखाई देता, ये पूरा रोड यात्रा के टाइम पर भरा रहता है। और आपने भी अगर ये यात्रा करी है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब ये गंगोरी का ब्रिज आ गया, यहीं तक मेरी ये लिफ्ट थी, और मैं यहाँ पे मेरी ये यात्रा पूरी सेकेंड टाइम मैं कर रहा हूँ। एक बार मैं ये ऑलरेडी यात्रा कर चुका हूँ, लेकिन उस वक्त ये पूरा मतलब विंटर नहीं था, तो मतलब बहुत इजी था। और अभी तो हम मुझे बहुत ज़्यादा ठंड भी लग रही थी, ये विंटर में करने में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो मैं इसीलिए सजेस्ट करता हूँ कि आप दक्षिण भारत की यात्रा करो विंटर्स में, और यहाँ पे अगर आना है तो आप समर्स में आओ, तो आपको बहुत ज़्यादा ईजी पड़ेगा। चलो भाई मैं गंगोरी पहुँच गया हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। अगला वीडियो शुरू करूँगा। सरस्वती को मैं आवाज़ दे रहा था अभी, वो एक गाड़ी में बैठ गई। तब तक हमें 3-3 किलोमीटर की लिफ्ट मिली थी, मैंने 3 आवाज़ दी, उसने सुनी नहीं, बैठ गई बाइक पे और मैं पीछे रह गया। कोई बात नहीं, मैं वो तो आगे कैच कर लूँगा। फिलहाल ये रास्ता भी टूटा फूटा यार, थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं ऐसे मिलता है टूटा फूटा। देखते हैं मैं कैच कर पाता हूँ कि नहीं उसे। मैंने गंगोरी की जगह गंगनानी बोल दिया उसे, वो गंगनानी ना पहुंच जाए यार। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।